लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये जो सीन जहां कंस ने तलवार निकाल ली देवकी को मारने के लिए, तो ऐसे क्राइसिस में, जिसको कहेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट, वसुदेव जी अब देखो उनके सामने जो दुविधा क्या थी, यदि वो देवकी का पक्ष लेते और कंस के अगेंस्ट हो जाते इस समय, तो कंस दोनों को मार डालता, वसुदेव को भी मार देता और देवकी को तो मारना ही था उसे। लेकिन और फिर यदि वसुदेव जी वो कंस का साइड लेते, कंस को खुश करने के लिए, ठीक है भाई मैं आपके साइड में हूं, तो फिर देवकी की हत्या होती और भगवान श्री कृष्ण फिर कैसे जन्मते। तो ऐसे जिसको बोलते हैं catch-22 सिचुएशन में वसुदेव जी ने, वो पूरा प्रसंग है जहां वसुदेव जी ने अलग अलग प्रकार से कंस, जो कि इतने क्रोध में था, द्वेष में था, स्ट्रेस में था, हर प्रकार के इमोशंस उसके अंदर आ रहे थे, ऐसे व्यक्ति को, आग बबूला हुआ कंस को, उसके इमोशंस को कंट्रोल करना और उसके पीछे एक ही उद्देश्य था वसुदेव जी का, वो क्या था, प्रोटेक्टिंग द सुप्रीम प्रोटेक्टर। और भगवान अक्सर अपनी लीलाओं में अपने भक्तों को भगवान उनके स्वयं की सुरक्षा के बागडोर देते हैं। जैसे नंदग्राम में बलराम जी का एक स्वरूप है जहां बलराम जी वो गोरे नहीं है, वो सांवले बलराम जी है वहां पर। तो आचार्य बताते हैं कि बलराम जी सांवले कैसे हो सकते हैं, तो पहला कारण ये बताया है कि बलराम जी जो हर समय भगवान श्री कृष्ण की चेतना में रहते हैं, जैसे कि राधा रानी जो कृष्ण की चेतना में, तो बलराम जी जो हर समय कृष्ण की चेतना में रहते हैं, तो कृष्ण की चेतना में रहने के वजह से श्याम वर्ण वो हासिल कर लेते हैं अपना। दूसरा कारण, बलराम जी जो कि भगवान श्री कृष्ण के संरक्षक बनकर रहते हैं और उन्हें यशोदा माई, नंद महाराज और अन्य जो वरिष्ठ गोपगण हैं, उन्होंने बलराम जी को ये जिम्मा दिया है टू प्रोटेक्ट कृष्णा। तो दूसरा कारण, बलराम जी वो श्याम वर्ण के हुए कि उन्होंने देखा ये कंस जो इतने सारे राक्षसों को भेजते जा रहा है और सारे राक्षसों को केवल टारगेटेड कृष्ण को मारने के लिए भेजा जा रहा था। तो जब बलराम जी को ये बात समझ में आई तो बलराम जी ने सोचा कि मैं कृष्ण का कॉम्प्लेक्शन ले लेता हूं ताकि ये सारे जो आएंगे राक्षस ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि कृष्ण कौन है। इसलिए केशी के विषय में बताया कि केशी वो जब वृंदावन में आया तो आने के पश्चात उसने देखा कि भाई ये श्याम वर्ण का तो एक बालक नहीं है, एक और बालक श्याम वर्ण का वैसे ही दिख रहा है। तो वापस कंस के पास जाके बोलता है कि कौन सा वाला है कृष्ण। तो जब फिर कंस कहता है कि नहीं, जिसके पास मोर मुकुट है और वंशीधारी जो है वो है एक्चुअल कृष्ण। तो ये बलराम जी ने श्याम वर्ण भी हासिल किया भगवान श्री कृष्ण के प्रोटेक्शन के लिए। और इसलिए जब कालिया का उद्धार भगवान किए, उस समय बलराम जी वहां पर नहीं थे, तो बलराम जी वहां पर नहीं थे और बाकी यशोदा माई, बाकी सारे जो गोपियां और गोपगण, वो बलराम जी को डांटने लगे कि भाई तुमको वहां पर होना चाहिए था, तुम कभी वो कृष्ण को अलाउ नहीं करते अंदर कूदने के लिए। तो यहां पर न केवल वसुदेव जी और देवकी, जैसे जब
भगवान कंस के कारागृह में चतुर्भुज रूप उन्होंने धारण किया। तो चतुर्भुज रूप धारण करने के पश्चात माता देवकी वो और ज्यादा चिंतित हुई। अब देखो यहां पर हमारे आचार्य कहते हैं कि देवकी और भगवान श्री कृष्ण जो अभी अभी पैदा हुए हैं, इन दोनों के दृष्टिकोण क्या थे। तो अब इतने समय से अपने 6 बच्चों की हत्या हो चुकी है देवकी के, और कंस जो इतना बड़ा अत्याचारी, उसके भय से देवकी और वसुदेव जो बंधे हुए हैं उस कारागृह में, तो कितने स्ट्रेस में और कितने भय में वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं। तो भगवान ये सोचे कि मैं चतुर्भुज रूप में आऊंगा तो देवकी का जो भय है उसको मैं रिलीव करूंगा कि देख लो इतने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ मैं पैदा हुआ हूं, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। लेकिन भगवान के चतुर्भुज रूप को देखकर देवकी और चिंतित हो गई। तो भगवान कंफ्यूज हो गए कि ये और चिंतित क्यों हो रही। तो माता देवकी का दृष्टिकोण ये था, वो कह रही है कि तुरंत आपका जो 200 फॉर्म है वो लीजिए, क्योंकि कंस को पता चला कि ये बालक चतुर्भुज रूप में पैदा हुआ है तो कंफर्म हो जाएगा कि यही है मैं जो मारने वाला विष्णु। तो अब देखो, एक तरफ माता देवकी देख रही है कि ये साक्षात विष्णु नारायण है, लेकिन उनके अंदर का जो वात्सल्य प्रेम है वो इतना गहरा है कि उनकी चिंता वो हावी हो रही है भगवान की भगवत्ता जो प्रदर्शित भगवान कर रहे हैं। तो यहां पर आचार्य कहते हैं कि भगवान तुरंत देवकी के कहने के पश्चात फिर अपने द्विभुज रूप में आ गए कि भाई मैं अपने भक्तों के सामने नहीं जीत सकता। इसलिए जब कोई ये प्रश्न पूछता है कि क्या भगवान इस भौतिक संसार में पाप बढ़ गया है, पाप के कारण आते हैं? नहीं, भगवान ऐसे मां बाप के कारण आते हैं, पाप के कारण नहीं। भगवान ऐसे मां बाप हैं जो देवकी और वसुदेव, इनके कारण आते हैं।